तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी पैसा हम बैंक में रखते हैं क्या वो सेफ है। इंडिया के ज़्यादातर लोग सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसके लिए वो बैंक में ही अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में PMC बैंक के साथ जो क्राइसिस हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आने लगा है कि क्या हमारा पैसा बैंक में सेफ है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जिन लोगों का पैसा PMC बैंक में फंस गया है, वो 10,000 रुपये से ज़्यादा अपना पैसा नहीं निकाल सकते। यानी अगर उनके अकाउंट में 10,00,000 रुपये भी है, तो भी वो सिर्फ 10,000 ही अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पैसा PMC बैंक में फंस गया है। PMC बैंक के इस केस में चांसेस है कि PMC बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने HDIL, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसके प्रमोटर्स के साथ मिलकर कोई फ्रॉड किया हो सकता है। लेकिन इसमें लोगों की तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। PMC बैंक के इस केस के बाद यस बैंक भी काफी न्यूज में है। यस बैंक न्यूज में इसलिए है क्योंकि उनके बैड लोन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसी बीच लोगों के सवाल आने लगे हैं कि हमारा जो पैसा यस बैंक में है, क्या हमें उसे निकाल लेना चाहिए। तो चलो आज बात करते हैं कि आपका बैंक में रखा हुआ पैसा सेफ है या नहीं। बैंक में जो लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, गवर्नमेंट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम चालू की थी, जो कि उन सारी बैंक्स पर अप्लीकेबल है जो RBI के अंडर आती है। ये इंश्योरेंस स्कीम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा मैनेज की जाती है। फिलहाल 1,00,000 रुपीज तक के अकाउंट इस डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा कवर की जाती है। यानी आपका कितना भी पैसा बैंक में हो, बस उसमें से मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक के अमाउंट इंश्योर्ड है। तो अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाती है, तो इस डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की वजह से आपको मैक्सिमम 1,00,000 रुपीज तक की अमाउंट मिल जाएगी। और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती है, उनमें ये 1,00,000 रुपीज तक की डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम नहीं होती है। तो अगर कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंकरप्ट हो जाती है, तो वहां पर आपको 1,00,000 रुपीज तक की अमाउंट भी वापस नहीं मिलेगी। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम 1968 से शुरू हुई, और शुरुआत में 5,000 रुपए की अमाउंट इस इंश्योरेंस कवर में आती थी। फिर आगे चल के इस इंश्योरेंस कवर की लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। फिर 1976 में इसकी लिमिट और बढ़ाकर 20,000 की गई। फिर 1980 में इसकी लिमिट और बढ़ाकर 30,000 की गई। और फिर फाइनली 1993 में इस डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की लिमिट 1,00,000 की गई। और फिर 1993 से इस डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की लिमिट 1,00,000 रुपीज ही है, और आज भी उतनी ही है। तो अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाती है, तो मैक्सिमम अमाउंट आपको 1,00,000 रुपीज तक ही मिल सकती है, जो कि 1993 से लिमिट फिक्स है। तो पिछले 26 सालों से इस लिमिट को नहीं बढ़ाया गया, जो कि काफी ताज्जुब की बात है। तो पिछले 25-26 सालों में इन्फ्लेशन की वजह से मनी की वैल्यू तो कम होती चली गई है, लेकिन उस हिसाब से इस डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर की लिमिट बढ़ाई नहीं गई है। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग बैंक को सेफ मानते हैं और बैंक में ही अपना पैसा रखना पसंद करते हैं, तो ऐसी केस में इस इंश्योरेंस कवर की काफी ज्यादा जरूरत है, और यहाँ से आगे लिमिट बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर लोगों को बैंक में भी सेफ्टी नहीं मिलेगी, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसका सलूशन क्या है, किस बैंक में हमें पैसा रखना चाहिए? तो पहली बात है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का क्राइसिस PMC बैंक में आया है, जरूरी नहीं है कि सारी बैंक में वैसा ही क्राइसिस आएगा। बट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जनरली गवर्नमेंट बड़ी बैंक्स को फेल नहीं होने देती है। यानी जब बड़ी बैंक प्रॉब्लम में आती है, तो गवर्नमेंट उसे बेल आउट करती है, यानी पब्लिक का पैसा उस बैंक में डालकर उसे बचा लेती है। तो जब भी आप अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे हो या किसी बैंक में FD निकालना चाहते हो, तो बड़ी बैंक्स को प्रेफर करो, क्योंकि बड़ी बैंक्स इतनी आसानी से फेल नहीं हो सकती, और जनरली गवर्नमेंट उन्हें बेल आउट कर लेती है। देखो, बहुत सारी छोटी बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती हैं, तो यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में ना आकर आपको ऐसी बैंक्स को प्रेफर करना होगा जो आपको ज्यादा सेफ्टी और अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि एक बैंक में सिर्फ 1,00,000 रुपीज तक की अमाउंट इंश्योरेंस डिपॉजिट स्कीम में कवर की जाती है, तो बेहतर होगा कि आप अपने FD के अमाउंट अलग अलग डिवाइड करके उसे अलग अलग बैंक में रखिए। यानी जनरली आप 2-3 बैंक्स प्रेफर कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। देखो, PMC बैंक के साथ जो हुआ, उसके लिए PMC बैंक का मैनेजमेंट और PMC बैंक का ऑडिटर जिम्मेदार है। साथ ही कहीं ना कहीं RBI भी इसके लिए जिम्मेदार है। और RBI ने PMC बैंक के डिपॉजिटर्स पर जो कंडीशन लगाई है कि वो मैक्सिमम 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, वो भी काफी अजीब है। इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं लोग अब बैंकिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाने लगे हैं। तो RBI को यहाँ पर जरूरत है लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने की, और PMC बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके प्रति सही डिसीजन लेने की। देखो, बैंक्स इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और कंपनीज को बहुत सारी फंडिंग बैंक से मिलती है। तो बैंक्स के पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा मेनली डिपॉजिटर से ही आता है। सो अगर लोग ही बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं रखेंगे, तो कंपनीज को पैसा नहीं मिलेगा, और जिसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपना पैसा बैंक से निकालकर घर में रख रहे हो, तो ये हमारी इकोनॉमी के हिसाब से सही डिसीजन नहीं होगी। इसलिए जो पैसा बैंक में रखना चाहते हो, वो आप बैंक में ही रखिए, बस बड़ी बैंक्स में रखिए जो आपको ज्यादा सेफ लगती है, जैसे कि SBI, HDFC बैंक एटसेट्रा। और जब भी कोई बैंक आपको दिक्कत में आती नजर आती है, तो आप उस बैंक से पैसे निकाल सकते हो। पर बैंक में ही पैसा ना रखना, ये एक सही डिसीजन नहीं होगी। इंडियन इकोनॉमी को यहाँ से काफी तेजी से बढ़ने की जरूरत है, और ज्यादा लोग इकोनॉमी में पैसा डालेंगे, यानी बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट एटसेट्रा, इनमें पैसा डालेंगे, तो उसका उतना ही ज्यादा फायदा हमारी इकोनॉमी को होगा। और हाँ, कोऑपरेटिव बैंक से आप दूर ही रहो तो बेहतर है।
अगर आप FD के लिए कोई अच्छा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ जा सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा सेफ है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसके लिए गवर्नमेंट अपनी गारंटी देती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ्टी आपको मिलती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है और सेफ्टी भी मिल जाती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप जरूर सोचिए। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल finnovations.com को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हमारे कुछ कोर्सेज भी चेक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।